मित्रों नमस्कार। पूरे भारतवर्ष में धूम धड़ाके से नवरात्रि का त्यौहार मनाए जा रहा है, तो क्यों नहीं हम नवरात्रि में माताजी को प्रसन्न करके माताजी का आशीर्वाद लेवे और हमारे धंधे में बरकत हो और हमारे धंधे में कभी नुकसान नहीं आए। तो इस नवरात्रि में हमारा धंधा कैसे आगे बढ़े और वर्षों से जो हमारे धंधे में खोट आ रहा, नुकसान आ रहा है, वो कैसे दूर होवे, वो आज मैं चमत्कारिक मंत्र बताने जा रहा हूँ। जो इस नवरात्रि में आप करोगे तो आप याद करोगे, पंडित जी आपने जो मंत्र बताए हैं, मेरे वर्षों पुराना घाटा नुकसान आ रहा था वो दूर हो गए हैं और मेरे धंधे में लाभ ही लाभ हो रहा है और मेरे धंधे में बरगत ही बरगत हो रही है। ऐसा मैं आपको ऋषि मुनि द्वारा प्राचीन काल से सिद्ध किया हुआ ऋषि मुनि द्वारा जप तप करके जो मंत्र है वो व्यापार वृद्धि के लिए मंत्र है, वो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ। भाइयों मेरा वीडियो पूरा देखिए और माताजी के दिनों में ये प्रयोग कैसे करना है और अपने धंधे को कैसे आगे बढ़ाना है, कभी लाइफ टाइम आज उन आपके धंधे में नुकसान नहीं आएगा, कोई नजर दृष्टि दोष नहीं करेगा, कोई मेली वस्तु नहीं डालेगा, कोई किसी प्रकार का नकारात्मक शक्ति आपके धंधे के ऊपर हावी नहीं होगी, वो आज आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले माताजी की जो नवरात्रि चल रही है, माताजी की रात्रि कालीन आरती के समय आपको रंग बिरंगे फूल ले जाना है। रंग बिरंगे फूल ले जाके आरती के समय माताजी को फूल अर्पण करना है। ओम अम्बे माताय नमः ऐसे बोल के माताजी के चरणों में फूल अर्पण करना है और गुलाब के फूल जब आरती चालू होती है तो अपने हाथ में रखना है, अपने हाथ में रखे और माताजी की आरती पूरी गाइए, पूरी आरती आप मन में स्मरण कीजिए। जब आरती पूरी हो जाती है तब इसमें से एक गुलाब की पंखुड़ी अपने घर साथ में ले जाना है और दूसरे फूल माताजी के चरणों में रख के आराधना करना है। हे माताजी मेरे धंधे में बरकत हो और मेरा धंधा आगे बढ़े, ऐसे करके ये भी अम्बे माता की चरणों में अर्पण कर देना है। और उसके बाद भी जो आरती पूरी हो जाती है आपको घर आके एक प्रयोग करना है। आपको अपने घर में पूजा का मंदिर होता है या कोई भी रूम होता है, वहाँ अम्बे माँ की तस्वीर रख के गुलाब के फूलों की माला अर्पण करना है और आपको उत्तर दिशा में मुंह करके पीला वस्त्र धारण करना है और पीला वस्त्र धारण करके भोजपत्र लेना है, क्योंकि भोजपत्र पर जो हम ऋषि मुनि द्वारा बताए गए व्यापार वृद्धि के लिए मंत्र वो हम करेंगे तो 100% हमारे व्यापार आगे बढ़ेगा, कभी व्यापार में नुकसान नहीं आएगा और वर्षों पुराना घाटा दूर हो जाएगा। तो भोजपत्र पर हमको प्योर केसर से ओम विष्णु लक्ष्मी पते नमः ऐसे आपको भोजपत्र पे लिखना है और लिखने के बाद भी जो हम माता जी की आरती के समय गुलाब की पंखुड़ी लाया है इसके ऊपर प्योर केसर से हमको ओम अम्बे माताय नमः ऐसे एक बिंदिया करनी है। बिंदिया करने के बाद में इसको भोज पत्र के ऊपर ऐसे रखना है और उसके बाद में एक गोमती चक्र इसमें रखना है और इसको ऐसे फोल्ड करना, गोमती चक्र रखी ऐसे एक तरह का ताबीज बनाना है और इसको लाल धागे से ऐसे लपेट दो, ताबीज बना दो। मैं दावे के साथ कहता हूं आपके लाइफ में कभी धंधे में खोट नहीं आएगा, आपका धंधा चारों दिशा में बढ़ेगा, कस्टमर की लाइन लगेगी। इस प्रकार ये ताबीज बन गया। अब वो ऋषि मुनि द्वारा सिद्ध किया गया व्यापार में वृद्धि के लिए व्यापार हजारों गुना हमारा आगे बढ़े, कभी व्यापार में हमारा नुकसान नहीं आवे, कस्टमर की लाइन लगे और रुपये इतना हो कि हम रुपये गिनते गिनते थक जाए और हमको रुपया गिनने की मशीन लानी पड़े, तो वो मंत्र कौन सा है वो मंत्र मैं स्क्रीन पे दे दूंगा और मैं डिस्क्रिप्शन में मेरे मिल जाएंगे। वो मंत्र है आपको 108 मंत्र करना पड़ेगा हाथ में लेके, वो मंत्र ओम ह्रीम श्री क्लीम द्रुम नमो उज्ल्वा याम कुरु कुरु, ये मंत्र आपको 108 इसकी माला करना है और ये मंत्र आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। और ये मंत्र करने के बाद में इसको आप माता जी के मंदिर में रख दीजिए और सुबह जब आप जल्दी उठ के स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन के अपने दुकान मोड़ फैक्ट्री कारखाने में जाते हो तो इस ताबीज को आप साथ ले जाइए और पूरे दुकान में घुमा के आपके वहाँ पूजा का स्थान होता है, मंदिर होता है, वहाँ रख दीजिए और रखने के बाद में ओम अम्बे माताय नमः
ऐसा उद्घोष कीजिए माता जी का, ऐसा उद्घोष आप 11 बार करके और फिर दो माता जी की अग्रपति कीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ इस नवरात्रि में आप लाखों करोड़ों में जंपिंग करोगे, कभी घाटा नहीं आएगा और अंबे माता जी का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा। और हजारों पुराना जो आपको कई वर्षों से घाटा आ रहा है, आप निराश हो गए, आप धंधा छोड़ने की मन में ठानी है या धंधा आप परिवर्तन करना चाहते हैं, कभी भी ऐसी नेगेटिव विचार आपके अंदर आएगा नहीं। आप धंधा नहीं छोड़ोगे और धंधा परिवर्तन नहीं करोगे, इसी धंधे में आपको हजारों गुना फायदा मिलेगा। और आप खुद पैसे आपको और रिपीट करवाना चाहता हूँ, आप पैसे गिनते गिनते थक जाओगे और आपको पैसे गिनने की मशीन लानी पड़ेगी। जरूरी है प्रयोग करो और माता जी का आशीर्वाद लो और फिर हमको कमेंट में बताओ या फोन करके बताओ, पंडित जी जो आपने उपाय बताए 100% हमारे धंधे में लाभ मिला है। जय श्री कृष्ण।